अवैध सट्टेबाजी बहुत ही तेजी से देश के कोने कोने में फैल रहा है। ज्यादातर युवा इन सब में इन्वॉल्व रहते हैं। अब ऐसा ही एक अवैध सट्टेबाजी का मामला सामने आया है हल्द्वानी के वनभुलपुरा से, जहां पुलिस ने दुर्गा मंदिर वार्ड नंबर 33 थाना वनभुलपुरा निवासी 21 वर्षीय युवक और एक 34 वर्षीय युवक को सट्टा लगाते गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दोनों ही सट्टेबाजों से पुलिस ने सट्टा पर्ची, पैन, गद्दे साथ ही 4,890 रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस भी लगातार अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ छापेमारी अभियान चला रही है, लेकिन लोग हैं कि मानने का नाम ही नहीं लेते और आए दिन फिर इस काले धंधे को शुरू कर देते हैं। आजकल के युवा इस धंधे में इतना घुस चुके हैं कि ये चीजें बेहद चिंताजनक होने लगी हैं कि हमारी युवा पीढ़ी किस ओर बढ़ने लगी है।